हेलो दोस्तों, भारद्वाज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम एडाप्टर की कई सारी वैराइटीज लेके आए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी एडाप्टर के लिए, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का आइकन दोबारा ना भूलें, क्योंकि हमारे पास इसी तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इन्फॉर्मेशन वीडियो नए नए प्रोडक्ट पर आती रहेंगी, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा अपना बिजनेस के बारे में, तो जिससे आप लोगों को नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों देखिए, कभी काफ़ी सारी वैरायटी आई है, तो यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 3 एम्पियर, 12 वोल्ट 5 एम्पियर और 24 वोल्ट 3 एम्पियर, 24 वोल्ट 5 एम्पियर और 19 वोल्ट का ये एडाप्टर है जो एलईडी टीवी में लगता है 19.5 वोल्ट के लिए दोस्तों ये। और इधर देखिए, ये हमारी लिथियम आयन बैटरी जो होती है इस टाइप की 7 एम्पीयर वाली, उसका ये चार्जर है ये। और दोस्तों ये चार्जर हमारा जो है ये 48 वोल्ट 5 एम्पीयर का है, इसी में का दोस्तों 24 वोल्ट 5 एम्पीयर का भी है, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे दोस्तों। बाकी फिलहाल इतनी वैराइटीज आई हुई है और ये दोस्तों देख सकते हैं ये 48 वोल्ट 5 एम्पीयर का चार्जर है ये, और इसमें का एडाप्टर भी मिल जाएगा दोस्तों। ये चार्जर है दोस्तों, ये एडाप्टर है ये 48 वोल्ट 5 एम्पीयर का, और ये 48 वोल्ट 5 एम्पीयर का जो ई बाइक स्कूटी ई बाइक की लाते हैं जिसमें चार बैटरियों का सेटअप होता है इस साइज की, तो उसी का ये चार्जर है। बाकी अभी हाँ, इस वीडियो में हमने दो चार्जर कवर किए हैं, एक ही 48 वोल्ट 5 एम्पीयर का और ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है जो इस बैटरी के लिए पोर्टेबल रहता है, सपोर्टेड रहता है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसकी वीडियो हम फुल आपके लिए डालेंगे। बाकी इस चार्जर के बारे में आपको बता दें दोस्तों, इस चार्जर का जो प्राइस वगैरह है हम अपने कैटलॉग में ऐड कर देंगे, आप वहां से जाके जो है आप इसका प्राइस वगैरह जान सकते हो। बाकी देखिए दोस्तों, इसमें फैन वगैरह भी लगा हुआ है, बहुत पूरी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, ये देख सकते हो आप ये, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। ऐसे 220 वोल्ट और 48 वोल्ट 0.5 एम्पीयर तो 3 एम्पीयर दोस्तों। बाकी इसमें चाइनीज लैंग्वेज में दोस्तों लिखा हुआ है, क्योंकि चाइनीज मेड है दोस्तों ये चार्जर, और फुल ऑटोमेटिक है ये। ये इसका मेन एसी कोड है ये, और ये इसकी आउटपुट लीड है जो हमारी डीसी सॉकेट में लगेगी दोस्तों ये। और ये देखते हो दोस्तों, ये देखिए एसएमपीएस अल्फा बैटरी चार्जर 14 वोल्ट 2 एम्पीयर आउटपुट, 14 वोल्ट 2 एम्पीयर दोस्तों, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए 1-2 वोल्ट ज़्यादा ही होते हैं। और देखिए दोस्तों, ये सिवा कंपनी का है एसएमपीएस 12 वोल्ट 1.7 एम्पीयर दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं, दोनों चार्जर बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, इसकी वीडियो में हम बनाएंगे इस बैटरी को चार्ज करके दोस्तों। और बाकी ये देख सकते हो सर आप, ये 48 वोल्ट 5 एम्पीयर का एडाप्टर है ये, ये देखिए ये दोस्तों उनके लिए बढ़िया है जो ई रिक्शा के जो एसएमपीएस आते हैं चार्जर आते हैं उनकी सप्लाई वगैरह चेक करने के लिए ये अच्छा है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 24 वोल्ट 5 एम्पीयर का है, ये 12 वोल्ट 3 एम्पीयर, ये 19.5 वोल्ट, ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर, जो सभी वैराइटीज के हमारे पास एडाप्टर अवेलेबल हैं। 12 वोल्ट 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर और 5 एम्पीयर ये ऑलरेडी हमारे कैटलॉग में ऐड थे, और अभी तक ये वाले ऐड नहीं थे, तो इनको भी हम ऐड कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों के वीडियो आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हमारे पास डेली की डेली नए से नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार और सहयोग वजह से हमारा चैनल बहुत ही ग्रो कर रहा है और हमारा बिजनेस भी काफ़ी ग्रो किया है आप लोगों के सपोर्ट के कारण दोस्तों। और ऐसा ही सभी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन में सेल करते हैं, ऑनलाइन में जो है लगभग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इन्वर्टर पार्ट, स्टेबलाइजर पार्ट और पावर टूल्स, लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक में हम डील करते हैं। और सभी को बाय करने के लिए सभी का प्रोसेस क्या है बाय करने का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सअप कैटलॉग लिंक दे देंगे, जिसमें हमारे ऑलरेडी सारे आइटम्स ऐड हैं, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो दोस्तों। बाकी पेमेंट प्रोसेस सब आपको हमारे व्हाट्सअप लिंक पर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।